नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़, रास्ते में भरा गंदा पानी, बच्चे गंदे पानी से आने जाने को मजबूर। रास्ते में विगत 3 वर्ष से भरा गंदा पानी, गर्मी में सूखता है, बाकी दिनों में भरा रहता गंदा पानी। वर्षों पूर्व में बना खदंजा हुआ ध्वस्त, नाली हुई अवरुद्ध, 2 फुट का बना रास्ते में दलदल। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से बनवाने की लगाई गुहार, प्रधान ने नहीं की कोई सुनवाई, की आंख बंद। शासन का आदेश, गांवों में रास्ते में गंदा पानी नहीं दिखना चाहिए। गंदगी रहने पर पनप रहे मच्छर, फैलाएंगे मलेरिया। संचारी रोग रोकथाम के नहीं किए गए उपाय, प्रधान मस्त मनरेगा कच्चे कार्यों में। पूरा मामला विकास खंड बाबागंज के ग्राम मुरैनी का है। संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। क्या समस्या है इस रास्ते को लेकर, बताइए कुछ जो है। अरे रास्ते में पानी हरदम बारिश, पूरा बारिश पानी भरा रहा था भाई। अपनी दिक्कत है, कुछ हद नहीं है। ये खड़िंजा कब निर्माण हुआ था? अरे यार 10 साल हो गया। 10 साल बना है। तो कितने सालों से समस्या है यहाँ पे? अरे यहाँ समस्या साहब 10 सालों से है। तो आप लोग बोले नहीं, प्रधान पंचायत मंत्री, मतलब हमारे मध्यम है ये नहीं, हम बनवाई कैसे का तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये? हम लोग चाहते हैं साहब के बन जाए, मतलब कायदे से हो जाए। आपका नाम? बनवारी लाल। आपका नाम? मंदेश्वरी। सब लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण हो जाए, जो पानी है गंदा पानी भरा रहता है। बिल्कुल निर्माण हो।